नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर वन बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी ये जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश में आज खबरों में क्या खास रहा है। तो इस एक बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट बताते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो ये 7 बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बीच विवाद हुआ है, इसके साथ ही हर विधानसभा को अब 100 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं विकास कार्य योजना से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर है, इसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सड़क पर दंपति का शव कहां बरामद हुआ है, इसका खुलासा भी इस बुलेटिन में होगा। और इसके साथ ही युवक से बर्बरता कहां पर हुई है, किस तरह से एक आदिवासी युवक फिर से मारपीट का शिकार हुआ है, इसका अपडेट भी आपको देंगे। और मां ने कहां पर अपने ही मासूम की जान ले ली, ये भी हम आपको खबर इस बुलेटिन में बताने वाले हैं। और इसके साथ ही BSF के 2 जो लापता कांस्टेबल थी वो आखिरकार 36 दिन बाद बरामद हुई है, किन स्थितियों में बरामद हुई और कहां थी, मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में पूरा अपडेट आप देखिए। और नाइट कल्चर पर बड़ा फैसला क्या लिया गया है इंदौर में, इसके बारे में भी आपको इस बुलेटिन में पूरी जानकारी हम देंगे। तो 7 बजे की 7 बड़ी खबर है और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। नाइट कल्चर को लेकर के काफी सियासी संग्राम हमने देखा और अब कलेक्टर ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जो इससे पहले जारी हुआ था। रात भर बाजार लगाने को लेकर जो आदेश जारी हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। इंदौर में 24 घंटे बाजार संचालन संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें CM डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले कुछ दिनों के अंदर ही रात्रिकालीन बाजार को लेकर निर्देश दिए थे, लेकिन जिस तरह से इंदौर के पब्स में, इंदौर के मार्केट में सरे रहा हमने देखा, मारपीट की खबरें सामने आ रही थी, गुटों के बीच वाद विवाद की तस्वीरें सामने आ रही थी और उसको लेकर के इंदौर कलेक्टर ने बेहद बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने पहले के आदेश को निरस्त कर दिया है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने वो आदेश जारी किया था, यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि इंदौर में अब नाइट कल्चर का दी एंड होने जा रहा है। इस पूरे मामले में कलेक्टर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जो नाइट कल्चर है जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर BRTS के संबंध में जो एक आदेश निकला था जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको रिवाइज किए जाने की ज़रूरत है। और जहाँ पर आवश्यकता है, जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या अन्य कुछ इस प्रकार की अगर जगहें हैं, केवल वहीं तक उसको सीमित किया जाए, उसकी समीक्षा करी जाए, जिस संबंध में सभी से बातचीत करके एक संशोधित आदेश निकाला जाएगा। जो नाइट कल्चर है, ये नशे को इधर से उधर ले जाने का एक बहुत बड़ा समय रहता है वो, तो ये अच्छा हुआ बंद कर दिया था क्योंकि रातें सोने के लिए है। नशाखोरी बंद हुई तो अच्छी बात है, पर लोगों का वो जो नाइट टाइम फन होता है वो भी चला गया। जो लोगों को बाहर एंजॉय करना रहता था रात में वो अब नहीं कर पाएंगे थोड़ा, और जो लोग काम कैसे का मतलब जो गलत काम करते थे वो भी थोड़ा रुकेगा ही। जैसे रेगुलर सेफ्टी बढ़ जाएंगी, तो बहुत से लोग सराफे ले लो ऐसे एग्जाम्पल, तो जो लोग अदर जगह पर नाइट में काम करते थे उनका इनकम सोर्स वगैरह बंद हो गया है। तो देखिए, इंदौर में 24 घंटे बाजार संचालन संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। और आप शहरवासियों को भी सुन रहे थे, जैसे ही कलेक्टर ने इस पर बड़ा फैसला लिया है, IBC 24 इंदौर वासियों के बीच पहुंचा और हमने उनसे जाना कि आखिर नाइट कल्चर को लेकर के जो बड़ा फैसला लिया गया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये आदेश तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही जो नाइट फन है वो जरूर कहीं ना कहीं कम हो गया है। अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, देखिए, लगातार नाइट कल्चर को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठे, प्रशासन किस तरह से आरोपों पर लगाम लगाता है उस पर भी सवाल उठे, और आखिरकार बड़ा फैसला नाइट कल्चर का अब दी एंड होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में आदेश जारी किया गया था कि इंदौर का BRTS यानी कि राजीव गांधी चौराहे से लेकर के निरंजनपुर चौराहे तक का जो हिस्सा है 11.45 किलोमीटर का, वहां पर 24 घंटे बाजार खोलने की अनुमति जो है दी गई थी। और कहीं ना कहीं नाइट कल्चर की यह शुरुआत थी। शुरुआत में कहा गया था कि फिलहाल एक सड़क को जो है नाइट कल्चर के दायरे में लाया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इसे शहर में लागू किया जाएगा। लेकिन इसके बाद की जो तस्वीरें आई उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। कई तस्वीरें ऐसी आ रही थी जिसमें नाइट कल्चर में पब के बाहर मारपीट है,
है या फिर आपस में मारपीट या कई प्रकार की जो घटनाएं हैं वे लगातार सामने आ रही थी, और इसे लेकर के उसके बाद सवाल भी खड़े होने लगे थे और कई प्रकार के जनप्रतिनिधि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस उनके द्वारा लगातार यह सवाल उठाए जा रहे थे कि नाइट कल्चर को जो है खत्म किया जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में भी यह बात जो है बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार कही जा रही थी कि नाइट कल्चर को खत्म कर अब नाइट वर्किंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो बाजार खोले जाने की जो बात कही गई थी उस पर एक बार वापस से रिव्यू किया जाना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इंदौर संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई तो सभी जनप्रतिनिधियों ने नाइट कल्चर का विरोध भी कहा और इसके बारे में भी कहा गया कि इसके बारे में एक बार फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि अब जो नाइट कल्चर है उसके आदेश को निस्थगित किया जाएगा और उस आदेश का एक बार रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद इसे वापस से ठीक से लागू किया जाएगा, यानी कि अब नाइट कल्चर से नाइट वर्किंग की तरफ जो है कदम सरकार के बढ़ने लगे। और इसी को लेकर के इंदौर कलेक्टर ने फिलहाल एक आदेश जारी किया है और सितंबर 2022 का जो आदेश था जिसमें कि 11.45 किलोमीटर के हिस्से को वर्किंग के लिए 24 घंटे खोले रहने की अनुमति दी गई थी उसे निरस्त कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी दी है कि जो पहले आदेश जारी किया गया था उसमें अब रिव्यू करने के भी आदेश दिए गए हैं, यानी कि अभी लगातार उस पूरे आदेश को रिव्यू किया जाएगा और फिर आने वाले समय में इंदौर में कुछ और बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दमोह का। बड़ी खबर मिल रही है, छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया, हथौड़ा मारकर बड़े भाई की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। नोटा थाना क्षेत्र के अभारा गांव में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है जहां पर एक छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया, हथौड़ा से वार कर बड़े भाई को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर दोनों भाइयों के बीच किस बात को लेकर के विवाद बढ़ा कि छोटे भाई ने बड़े भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। नोटा थाना क्षेत्र के अभारा गांव की यह वारदात है। इधर ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ छावनी से रहस्यमय तरीके से लापता हुई दोनों लेडी कांस्टेबल आखिरकार मिल गई हैं। वो 36 दिनों से लापता थी। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो क्या है इन 36 दिनों का राज, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अकादमी में पदस्थ महिला सहायक प्रशिक्षक भारत बांग्लादेश सीमा के पास मिल गई हैं। ये दोनों बीते 36 दिन से लापता थी और ग्वालियर के बिलौआ थाने में एक सहायक प्रशिक्षक पर दूसरे को अपहरण कर ले जाने की एफआईआर दर्ज भी हुई थी। इधर दोनों ने कहा है कि वो सहमति से एक दूसरे के साथ गई थी। ऑफिशियली उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, पुलिस को जो दोनों ने स्टेटमेंट दिए हैं और जो जानकारियां दी हैं उन्होंने बताया कि वो अपनी इच्छा से अनुपस्थित हो गई थी और उनके साथ किसी प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है, इसलिए पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए उसके आधार पर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मीट आउट नहीं हुआ है। हालांकि उनके इस तरह गायब होने से लेकर खुफिया जांच एजेंसी भी जांच में जुट गई है, क्योंकि दोनों ही कांस्टेबल ने गायब होने से पहले अपने मोबाइल की डेटा को भी डिलीट किया था जो उनको शक के दायरे में लाता है। साथ ही दोनों लेडी कांस्टेबल जहां जहां पोस्टेड रही हैं वहां बीएसएफ के बड़े हेडक्वार्टर्स भी हैं। इधर सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि नशा मुक्ति अभियान चलाने की आड़ में छतरपुर गांव के सरपंच और कांग्रेस नेता सुधीर जैन ने पहले युवक की जमकर पिटाई की और फिर लोगों को उकसाते हुए उसे जूते की माला भी पहनवा दी गई। सरपंच केलवारी विधायक रजनीश सिंह ठाकुर के करीबी माने जाते हैं। मामला कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव का है। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की है। उस पर हमने सरपंच के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिए हैं, नई धारा BNS के तहत, और उसकी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख है संतोष शर्मा को घर पर धमकी भरा पत्र भेजा गया है। बिल्डिंग के गार्ड को बुरके में आई एक महिला ने पत्र दिया। आपको बता दें संतोष शर्मा ने 30 मुस्लिम परिवारों की घर वापसी कराई थी। संतोष शर्मा ने तो कुगंज थाने में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब गोलू को मौत के घाट उतार दिया गया था, इंदौर के ही वो बीजेपी नेता थे और अब VHP नेता को यहाँ पर धमकी भरा पत्र मिला है, क्या कुछ किया जा रहा है इनकी सुरक्षा के लिए अब? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा जो हैं ये पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में थे और मुस्लिम परिवारों की वापस से हिंदू
धर्म में वापसी कराने को लेकर ये चर्चाओं में आए थे। इसी के बाद इनको अब धमकी भरा पत्र जो है ये मिला है और बताया जा रहा है कि घर पर यह पत्र जो है इसमें उर्दू और हिंदी में धमकी मिली है, जिसमें लिखा गया है कि अब जो है अगर तुम नहीं समझे तो अब नहीं बचेंगे। इसी को लेकर के पूरे मामले की शिकायत जो है तुकोगंज थाने पर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस महिला का पता लगाने में जुटी है जिसके द्वारा यह पत्र जो है हिंदू संगठन के नेता के घर पर दिया गया था। और साथ ही एक ऑटो रिक्शा जो है वो संदिग्ध भूमिका इसमें सामने आया है, जिससे महिला जो है इस पदाधिकारी के घर तक पहुंची थी। फिलहाल पुलिस के द्वारा इन दोनों की तलाश की जा रही है और वहीं पर हिंदू संगठन के जो नेता हैं उनको फिलहाल उनके घर पर सुरक्षा जो है वह तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इधर गुना के कपासी पंचायत के कालीबोर स्थित शासकीय स्कूल की दुर्दशा के मामले में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की ओर से संज्ञान लेने के बाद वन विभाग ने स्कूल बिल्डिंग के लिए परमिशन दे दिया है। हमने आपको खबर दिखाई थी गुना की ये तस्वीरें कि किस तरह से रात में यहाँ पर तबेला रहता है और सुबह यहाँ पर स्कूल रहता है। जब आईबीसी 24 की टीम यहाँ पर पहुंची हमने ये खबर दिखाई तो अब आप देखिए स्कूल के लिए बिल्डिंग का निर्माण कार्य अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि वन विभाग की तरफ से आईबीसी 24 की खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ पर अब जमीन की स्वीकृति दे दी गई है। पिछले 20 साल से स्कूल के छात्र बिल्डिंग ना होने की वजह से संसाधनों के अभाव में पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। खबर दिखाई जाने के बाद गुना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने भी मामले को तत्परता से लिया, शिक्षा विभाग की टीम को यहाँ पर भेजा गया और बिल्डिंग निर्माण को पूरा करने के निर्देश दिए गए। यानी कि अब बच्चों को टपरे के नीचे नहीं बैठना पड़ेगा, वो अच्छे से पढ़ सकेंगे और बढ़ भी सकेंगे। प्रदेश की मोहन सरकार अगले 4.5 साल के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करवाएगी और इस विजन डॉक्यूमेंट में हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा। बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात पर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। तो आखिर क्या है मोहन सरकार का फ्यूचर विजन और इसको लेकर के क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुवार को सीएम हाउस में बुलाई गई बैठक में सीएम मोहन यादव ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश विधायकों को दिए हैं। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायक मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने विधायकों से अपने अपने क्षेत्र के समग्र विकास का 4 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाने, हर काम का लक्ष्य और समय सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में विजन को पूरा करने के लिए 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, जबकि 40 करोड़ रुपए विधायक सांसदों की विकास निधि और CSR जन भागीदारी इडेंटिफिकेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए जुटाए जाएंगे। मोहन सरकार के इस विजन प्लानिंग को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। निर्माण टंकी का हो रहा है लेकिन कहीं गाँव में पाइपलाइन नहीं बिछी है, पाइपलाइन बिछी है टंकी में कहीं पानी नहीं पहुँच पा रहा है। कहीं ना कहीं इन सब बड़ी योजनाओं के माध्यम से जो टेंडर किए गए थे उन टेंडरों के माध्यम से भाजपा के दलालों ने 20% कमीशन लिए है, कमीशन पूरी खा गए लेकिन धरातल पे जो काम होना चाहिए था वो कहीं नहीं दिख रहा है। मोहन सरकार की फ्यूचर प्लानिंग का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी का मानना है कि इससे आगामी भविष्य की योजना पर बेहतर प्रबंधन के साथ काम किया जा सकता है। भविष्य की तैयारियों की बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा तो शहर का विकास बेहतर होगा। वहीं कांग्रेस विधायकों से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में बीजेपी विधायकों से जमकर भेदभाव होता था, ये भी आरोप बीजेपी लगा रही है। 15 महीने उनकी कांग्रेस सरकार रही, हम भी विधायक रहे तो हमें एक सड़क भी नहीं मिली और हमारे आसपास जो विधायक थे उन्हें सैकड़ों सड़कों करोड़ों की सौगात मिलती थी, तो ये कहना उनका बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के समय 15 महीने का उनका कुशासन का कार्यकाल हमने देखा है। उस कार्यकाल में मेरे टीकमण को विधानसभा को विकास के नाम पे फूटी कौड़ी भी उनके द्वारा नहीं दी गई थी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की मोहन सरकार का पूरा फोकस विकास कार्यों पर है। ऐसे में अब सीएम ने बीजेपी विधायकों को विकास के कामों का आगामी 4 सालों का खाका तैयार करने को कहा है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन विकास कार्य को लेकर शुरू सियासी बयान कहां जाकर थमेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भोपाल से आईबीसी 24 के लिए दुष्यंत पराशर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं इंदौर से बड़ी खबर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस कार्यालय अचानक पहुंच गए और कांग्रेसियों को उन्होंने निमंत्रण दिया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर आ रहे हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है इंदौर में 51 लाख पेड़ लगाओ अभियान का।
और इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह आएंगे। रेवती रेंज में 11 लाख पेड़ लगने हैं 14 जुलाई को, और 11 लाख पेड़ लगा करके इंदौर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस नेताओं को निमंत्रण देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। तो देखिए, कल छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा की जंग कौन जीतेगा ये तो कल साफ हो ही जाएगा, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस के किले को आखिरकार फतह कर ही लिया है। इसमें बीजेपी ने जी जान लगाकर पूरी रणनीति के साथ काम किया, तो वहीं नकुलनाथ को हराकर इतिहास दर्ज करने वाले विवेक बंटी साहू की पत्नी ने भी उनका पूरा साथ दिया। बस साथ ही नहीं, उन्होंने जीत की मन्नत मांगी थी जो उन्होंने अब पूरी की है। तो क्या है ये मन्नत और कैसी हुई पूरी, देखिए इस रिपोर्ट में। सांसद बंटी विवेक साहू की धर्मपत्नी शालिनी साहू ने बालाजी भगवान के श्री चरणों में पति के सांसद बनने के बाद मनोकामना पूरी होने पर केश समर्पित कर दिए हैं। शालिनी साहू ने बताया कि जाम सावली हनुमान मंदिर पैदल पहुंचकर उन्होंने मन्नत मांगी थी कि यदि वे सांसद बने तो वो श्री बालाजी भगवान वेंकटेश के पास केश दान करेंगी। अब मनोकामना पूरी होने पर उन्होंने केश समर्पित किए हैं। मेरी मन्नत सिर्फ छिंदवाड़ा का विकास थी और इनकी सफलता थी, जो सारी छिंदवाड़ा की जनता ने जो इनको प्यार दिया, चुनाव में इनके अच्छे परिणाम आए, उसके लिए मैं वेंकटेश स्वामी को और छिंदवाड़ा की जनता का बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद है, इसके कारण ये सफल हुए। दरअसल विवेक बंटी साहू लगातार दो विधानसभा चुनाव हारे और फिर सांसद का चुनाव नकुलनाथ को हरा कर जीते हैं। इससे पहले उन्हें कमलनाथ से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार कमलनाथ के गढ़ को फतह कर उन्होंने इतिहास दर्ज किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।